प्रोग्राम है जुर्म अंजाम। मैं हूं तारिक हफीज, बागड़िया चौक में मौजूद हूं और यहां पर भी हमेशा की तरह एक कत्ल की वारदात हुई है और कत्ल किसने किया कोई मालूम नहीं, सिर्फ गाड़ी का नंबर जो है वो याद है और उसकी बिना पर FIR कटवाई गई। ठीक उसी दिन कत्ल हुआ जब दाता दरबार का उर्स जारी था और लोग वहां पर अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए जाना चाह रहे थे। चौक में खड़े शख्स को गोली क्यों मारी कोई पता नहीं, कत्ल क्यों गया कोई पता नहीं, और उसको अपनी जान से हाथ धोने क्यों पड़े, किस जुर्म की सजा उसे मिली कोई पता नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लेकिन उस मासूम को कत्ल कर दिया गया, किसने देखा और किस तरह से वाकया पेश आया ये सब जानते हैं। ये जूस कॉर्नर खुला था 1:15 का वक्त था, 12:45 पे उसको फायर लगा और वो शख्स वहीं पर खड़ा हुआ था, वो लड़का 20 साल तकरीबन उसकी उम्र थी कि जिसको फायर लगा। आप यहीं पे थे जब ये वाकया पेश आया? जी हम यहीं पे थे लेकिन हमने देखा नहीं, हम अंदर काम कर रहे थे। अच्छा। तो हमें फायर की आवाज़ आई है तो हमने बाहर आने की कोशिश की लेकिन जहाँ आवाज़ सुन के लोग यहाँ से इधर भाग रहे थे लेकिन हम बाहर नहीं निकले, हम अंदर ही थे जब वो फायर करके चले गए हैं और हमने बाहर आके देखा तो एक लड़का इधर गिरा पड़ा था, उसको फायर लगा हुआ था। यानी आप जब अंदर थे तो उस वक्त आपने फायर की आवाज़ सुनी, उसके बाद लोग जो है वो भागे आए? हाँ जी वो भागे आए। जब लोगों ने देखा तो क्या मौके पे ही ढेर हो गया? मौके तो वो उसी वक्त ढेर हो गया था जब नीचे गिरा तो उसकी सांस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। गोली उसके कहाँ पे लगी थी? गोली तकरीबन उसके यहाँ पे इधर लगी, सर पे लगी थी, उसके सर में लगी। हाँ जी। तो गाड़ियाँ वगैरह चली गई थी? हाँ वो तो उसी वक्त, ये 2 मिनट का टाइम नहीं मिला उन्हें, वो फायर करके उसी टाइम निकल गए थे यहाँ से। क्या यहाँ पे पहले भी कोई ऐसा वाकया पेश आता? नहीं फर्स्ट टाइम आया। यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे शैमरे नजर नहीं आ रहे लगे हुए? कैमरे इधर कोई नहीं लगे हुए, आगे लगे हुए चौक में कोई कैमरा नहीं लगा। चौक तो बड़ा मशहूर चौक है, इसमें इतना रश मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई सेफ सिटी का कैमरा, सीसीटीवी कैमरा नहीं है इतना बड़ा। मैं तो खुद ये सेफ्टी के लिए इधर लगा होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा चौक है, इधर कोई ऐसा कैमरा नहीं लगा हुआ। यहाँ पे गश्त वगैरह होती है डॉल्फिन वगैरह की? हाँ वो होती है लेकिन वो आगे थे, उनके थोड़ी देर बाद में आए वो इधर। नहीं वैसे मामूल की गश्त होती है यहाँ? हाँ मामूल की होती है, तकरीबन हर 10-15 मिनट बाद आधे घंटे बाद गश्त होती है लेकिन उस वक्त नहीं पहुंचे, तकरीबन 5 मिनट बाद इधर पहुंच गए थे। उसके बाद फिर आप सब लोगों ने यहाँ पे कॉल की 15 को? हाँ जी 15 को कॉल की, फिर पुलिस आई? फिर पुलिस आई ऐसे ही। अच्छा तो पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस तकरीबन 5-10 मिनट बाद पहुंच गई। थाना ग्रीन टाउन का एरिया? ये थाना ग्रीन टाउन का एरिया। अच्छा थाना ग्रीन टाउन यहाँ से कितनी दूर है? ये तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो पुलिस की जो गाड़ी की गश्त है वो यहाँ पे होती है? हाँ जी होती है, वो दिन में हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद गश्त होती है यहाँ पे। यानी ऐसा वाकया इस चौक में पहले कभी नहीं हुआ? पहले नहीं कभी। हम ये कत्ल वाला ये पहला वाकया। तो ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा था वैसे ही? वो तो वैसे वो सुना था कि वो जा रहे थे वो उर्स पे, दादा दरबार उर्स पे जा रहे थे। हाँ तो वो उन्होंने इधर रक्षा भी अपना और रेंट पे लिया था तो उसे बोला था कि आप 5 मिनट खड़े हो हम जाते हैं, तो ऐसे हमने सुना बाद में। ठीक है तो वो जब वो गोली लगी तो इन 2 मिनट में उसको गोली लगी और वो वहाँ पे ढेर हो गया। कभी उस लड़के की किसी के साथ कोई लड़ाई वगैरह? नहीं नहीं कोई लड़ाई नहीं है, वो तो अचानक हादसे का शिकार बना। यानी आप समझते हैं कि उन्होंने हवाई फायर किया होगा? हाँ हवाई फायरिंग किया, उसे वो उसे मारने आए या किसी और को मारने आए लेकिन हमने सुना कि वो अचानक हादसे का शिकार बना। जूस कॉर्नर है यहाँ पे, उसके ऑनर हैं जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बागड़िया चौक है और यहाँ पे अगर इस साइड पे देखें तो इस साइड पे कोई सेफ सिटी का कैमरा आपको नजर नहीं आएगा और ये आप शारा देख लें कितनी मसरूफ है और ये चौक देखें कितना मसरूफ है, किस कदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितना बड़ा रशी एरिया है ये, लेकिन यहाँ पे कोई सेफ सिटी का कैमरा नहीं है। एक कैमरा सिर्फ मुझे नजर आता है उस साइड पे, यहाँ पे जो बाबर पान शॉप है और बिल्ला पान शॉप इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पे, वो भी आपको जगह दिखाएंगे जहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ था और ये वाकया पेश आया, 2 गाड़ियाँ आके रुकी उसको वहीं पे ढेर कर दिया। आप यहीं पे थे उस वक्त? जी सर मैं इधर ही था। तो ये तो बिल्कुल सामने से नजर आ रहा है, क्या नजर आया आप? सर इधर कुछ भी नहीं, हम बोतल पी रहे थे तो एकदम फायर की आवाज़ आई अचानक, पीछे से फायर की आवाज़ आई, जब वो फायर हुआ ना तो उसके बाद हमने देखा नहीं तो दूसरा फिर फौरन फायर हुआ तो हम साथ इधर आके छुप गए, तो जब हम खड़े हुए ना पीछे जब वो चले गए गाड़ी लेके तो वो क्या कहते हैं गाड़ी लेके चलेंगे, फिर पता चला कि वो लड़का। आप इस दुकान में खड़े हुए थे? जी इधर खड़े थे इधर। अच्छा आप इधर खड़े हुए? जी जी हम ओनर है दुकान? नहीं ओनर नहीं, हम इधर खड़े थे वैसे ही।
नहीं, आप उस वक्त वैसे ही खड़े हुए थे? जी जी, बोतल वगैरह बोतल पी रहे थे हम। अच्छा, तो दो गाड़ियां रुकी थी? दो गाड़ियां रुकी थी, ब्लैक थी, एक सिल्वर कलर की थी। अच्छा। तो फौरी ना उधर एक लड़कों ने, दो तीन और फल वालों ने, इधर सारे चौंक ने देखा था क्या हुआ। तो वो गाड़ियों का नंबर भी नोट हुआ, तो एम्बुलेंस भाई पुलिस वाले को गाड़ियों का नंबर लिखाया, नोट करवाया। वो कहते तफ्तीश करेंगे। वो सामने तीन कैमरे लगे हैं उस वाली साइड पे। कहाँ पे कैमरे लगे हैं? वो दुकानें हैं। अच्छा, दुकानों के प्राइवेट कैमरे? जी जी, प्राइवेट कैमरे लगे हैं। तो वो कैमरे को हम गए थे एक दिन उनके पास, वो कहते हमारे पास पुलिस वाले आ गए थे, वो फोटेज ले गए हैं। तो वो ये भी बता रहे थे उनकी ना, वो क्या कहते हैं, नंबर प्लेट के नंबर नहीं आए, गाड़ियों के नंबर नहीं आए, बस गाड़ी में FIR में जो नंबर लिखा हुआ वो देखा हुआ आप लोगों ने? जी जी, वो देखा हुआ है। एक गाड़ी? हाँ, एक गाड़ी का लिखा देखा हुआ है, एक गाड़ी का इंग्लिश वाला नंबर नहीं। उस लड़के को जानते थे आप जिसकी डेथ हुई? जी हाँ, वो मेरा मोहल्लेदार है। आपका मोहल्लेदार है? कभी उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी? सर वो आप इधर से ना, ये इधर कभी कभार चौंक में वो पान शान या बोतल पीने आता था, वो इतना कुछ भी नहीं था। इधर इन चौंक वाले से पूछ रहे उसमें कुछ होती ना, तो वो ये सारा क्या करता था वो लड़का? वो गार्मेंट्स का काम करता, घर का वही काम काज करता था, वही संभालता था। तो बहुत बुरा हुआ उस दिन। घर का कफील वही था? जी जी जी। तो रात को कितने बजे का वाकया? रात को तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान ये वाकया। FIR में 12:45 पे लिखा हुआ है, यानी यही टाइम था? जी जी जी, यही है। गाड़ी जब आई तो स्पीड में थी? स्पीड में आके रुकी या? सर ये गाड़ी वो तो अचानक ही हमें एक ध्यान से, जैसे आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही बात कर रहे थे, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अचानक ही फायर लगा। कितने दोस्त खड़े हुए थे आप यहाँ? हम इधर, हम तो दोनों बोतल पी रहे थे, तो बाकी और भी चौंक में काफी इंसान के साथ एक और लड़का था, वो भी जख्मी हुआ है। जी, वो दोस्त था, वो राहगीरी था। जब राहगीर था? जी जी। उन्होंने टारगेट करके मारा था या हवाई फायर किया? सर ये अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ ना आपके साथ, हमारा आपकी बात में ध्यान है, इसके अलावा मेरा किसी की तरफ ध्यान नहीं है। तो कौन क्या कर रहा, कौन नहीं क्या कर रहा, वो पता नहीं। कहते हैं उधर से फायर चला है, तो उधर उन्होंने गाड़ी को देखा है। गाड़ी कहाँ पे पार्क थी? गाड़ी वो कहते हैं वो इशारे की तरफ, वो इशारा नहीं, वो गोसिया मिलक शॉप के सामने खड़ी थी। अच्छा, उस साइड पे इशारे पे गाड़ी पार्क थी और वहीं से फायर हुआ? हाँ जी, लोगों के लोग इधर जिन्होंने देखा है ना, वो सारे बता रहे थे उधर से फायर हुआ। वो कह रहे थे किसी मोटरसाइकिल वाले को उसने मारा है। लोग इधर के बता रहे थे कि वो मोटरसाइकिल वाले ने किसी किया कुछ भी किया, गाली दी है उन्होंने उसको, पीछे से फायर मारे हैं। तो वो एक फायर इसके लग गया? जी, ये एक फायर लग गया इसको। आप यहीं रहते? जी मैं इधर ही रहता, गली में रहता हूँ। इनकी गली में? इनकी, जिसकी डेथ हुई उसकी गली में रहता हूँ। तो क्या उस लड़के किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं, बहुत अच्छा बंदा था। क्या नाम था उसका? जमाल। अच्छा, जमाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। और किसी घर वाले की भी नहीं? किसी घर वाले की भी नहीं, बहुत शरीफ इंसान। इस वाके का आपको कब पता चला? सर जिस दिन डेथ हुई मुझे सुबह टाइम मुझे पता चल गया, फजर के टाइम। अच्छा, सुबह के टाइम जो है वो आपको पता जी। बताएं कि अगर लड़ाई नहीं थी या कुछ भी नहीं था, वो आवारा गर्दी भी नहीं करता था, काम करता था सिर्फ? सर सुबह काम पे जाता था और रात को काम से आ जाता था, 11:30-12 बजे के दरमियान घर पे आ जाता था। और 11:30-12 के दरमियान घर पे? हाँ जी, क्योंकि कभी कभार पान शान खाता था जब भी, कब के बाद जब दिल करे दोस्तों के। मतलब यहाँ पे आना उस लड़के का मामूल नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर आता था और सिर्फ काम काज भी नहीं करता था, और जो यहाँ पे आके नहीं करता था, एक फैक्ट्री में काम करता था, गारमेंट्स का काम, और अपने घर का कफील था। आप सर उसकी गली में रहते, मोहल्लेदार हैं या मौके पे मौजूद? मैं भी मौके पे मौजूद था। अच्छा, मौके पे मौजूद था। ऐसे हम रात को निकले हैं, जब वो ड्यूटी पे आया वापस, तो कहते हैं चलो बोतल पी के हैं, बोतल पीने के लिए आए हैं, अचानक उधर से फायरिंग आई है। अब हम अपनी अपनी हिफाजत जब फायर का सुना तो साइड पर छुप गए हैं, लेकिन उसके बाद जब जैसे वो गए हैं उन्होंने 3-4 फायर किए हैं, जैसे वो गए हैं तो देखा हमारा दोस्त उधर नीचे गिरा हुआ था, देखा फिर हमने 112 कॉल किया, एम्बुलेंस को भी बुलाया उसके बाद, लेकिन वो मौके पे जल्दी नहीं पहुंची, पुलिस भी पहुंच गई। फिर उसके बाद अब मैंने खुद अपने हाथों से उसे उठा के जब उसमें डाला था, तो क्या कैफियत उसकी मैं बता नहीं सकता, सारा खून उसका, मेरे कपड़े भी फेंक दिए मैंने, पूरा भर गया था। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन उस टाइम नहीं बच सका। हमने पुलिस को बहुत कार, रात की देर तक बैठे रहे, लेकिन वो नहीं गया। उसके बाद हर कार का नंबर उनके पास है, सब कुछ है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कहा। जब ये वाकया पेश आया, और जमाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ ये था कि वो अंधी गोली का निशाना बना था। ये बिल्कुल जगह है कि जहाँ पर जमाल और उसके दोस्त खड़े हुए थे, इस जगह पर खड़े थे बिल्ला पान शॉप, ये बिल्कुल आपके सामने देख लें कि थोड़ा सा फासला है, गाड़ी वहाँ पर रुकी है और उस इशारे से गोलियाँ चली हैं, अंधी गोली का निशाना बिल्ला लगा और उसके जमाल के लगी, और जमाल जो है वो मौके पर जहाँ बाहक हो गया, सर में गोली लगी उसके। कोई टारगेट किलिंग भी नहीं कहा जा सकता इसको, जिस तरह से यहाँ पे लोग कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग कुछ आए थे और वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ था तो उन्होंने फायर वगैरह किए,
और एन उस वक्त जमाल और उसके दोस्त यहाँ पर जाने के लिए दाता दरबार के उर्स पर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, रिक्शा वगैरह करवा रहे थे, खड़े थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो लोग यहाँ पर फायरिंग भी कर रहे थे या उन्होंने यहाँ पर गाड़ी भी पार्क की तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं है। सेफ सिटी अथॉरिटी और हुकूमत का ये दावा है कि हर जगह पर कैमरे एक्टिव हैं और कोई भी शख्स किसी भी जगह पर किसी भी हवाले से छुप नहीं सकता कि वो वारदात करके यहाँ से निकल जाए। ये मैं चौक से गुजर रहा हूँ और इस चौक में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल और ट्रैफिक के साथ साथ यहाँ पर रश जो देख रहे हैं आप कि किस कदर है। और इस जगह पर अहम ज़रूरत है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कैमरास सेफ सिटी अथॉरिटी के नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर कैमरास जो हैं वो लगाए हुए हैं। बड़ा फासला है कि जहाँ पर गाड़ियाँ आके रुकी और वहाँ पर खड़े शख्स को जो है वो गोली का निशाना बना गई और खसूसन उसमें सवार लोग, कहा जाता है कि 6 से 7 लोग थे, 2 गाड़ियाँ थी, 1 गाड़ी का नंबर FIR में दर्ज करवा दिया गया है लेकिन दूसरी गाड़ी कौन सी है कोई पता नहीं। ये हम उस स्पॉट पे पहुंचे हैं कि जिस जगह पर गाड़ियां आके रुकी और यहां से उस जगह का फासला आप देख सकते हैं कि कितना है, कितनी दूर है, और यहां पर वो दोनों गाड़ियां खड़ी होके फायर करती हैं और वो फायर जो है वो जाकर लगता है जमाल को और जमाल वहां पे मौजूद था। एग्जैक्ट यही जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी और ये आप देख सकते हैं कि ये पोल जो लगे हुए हैं इस पर अगर CCTV कैमराज होते, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज होते तो ये गाड़ियों का नंबर भी कैप्चर हो जाता और मुल्जमान भी ट्रेस हो जाते क्योंकि उनकी शक्लें वाजे हो जाती, उनके फेसेस सामने आ जाते, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज नहीं हैं। हुकूमत की तरफ से और खसूसन सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से इस एरिया को, इस इलाके के लोगों को निगलेक्ट किया गया और यहाँ पर कैमराज नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से आज भी जो मकतूल के वरसा हैं वो इस बात पर मुसर हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। गाड़ी का नंबर मौजूद है, गाड़ी ट्रेस आउट कर ली गई है, चला कौन रहा था, किसकी गाड़ी थी और किसके नाम रजिस्टर्ड थी ये तो पता चल गया, लेकिन गोली किसने चलाई, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कत्ल किया। वरसा ये पूछते हैं कि आखिर उनको किस बात की सजा दी गई। नाजरीन, ये शॉप है, इसके सामने गाड़ियां पार्क हुई लेकिन यहाँ पे सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरा की वजह से मुलजमान ट्रेस नहीं हो पा रहे और वर्षा को इंसाफ मिलने में ताखीर हो रही है।